बूढ़ा पहाड़ पर लगा बड़े माओवादियों का जमावड़ा। इन दिनों बूढ़ा पहाड़ फिर से सुर्खियों में है। चर्चा है कि बूढ़ा पहाड़ पर कई राज्यों के बड़े माओवादियों का जमावड़ा लगा है और नए कैडर को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों 25 लाख के इनामी नक्सली मिथिलेश मेहता की गिरफ्तारी के बाद मरकस बाबा को बूढ़ा पहाड़ की कमान मिली है। मरकस बाबा भाकपा माओवादी संगठन के बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश कमेटी का सदस्य है। झारखंड सरकार ने मरकस बाबा पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। मरकस मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला है और वह 2021 की शुरुआत से ही बूढ़ा पहाड़ इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही कमांडर मिथिलेश मेहता और नवीन यादव का सहयोग कर रहा था। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में माओवादियों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद माओवादी बूढ़ा पहाड़ पर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में आधा दर्जन के करीब बाहर के राज्यों से पहुंचे ये लोग कौन हैं, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, जबकि 15 से 16 लोग नए हैं। माओवादी कोयल संघ जोन, जिसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा एक बार फिर से मजबूत करना चाहते हैं। गढ़वा शहर में खुला श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सभी प्रकार के ब्रांडेड कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान किफायती दामों पर, मेन रोड गढ़वा।